नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन के मौजा में जिला प्रशासन ने शिक्षा माफिया के राजन सिंह कुशवाहा की आज 3,10,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया है। ये संपत्ति चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और शियाराम यादव के नाम से शिक्षा और माफिया राजेंद्र कुशवाहा पारसनाथ नाम भूखंड खरीदा था। दरअसल आज डीएम के निर्देश पर धारा 14 के तहत कुर्क की गई कार्रवाई करने पर भरी फोर्स और राजस्व की टीम मौके पर, साथ ही खुद एसपी रोहन पी भोत्रे पर मौके पर पहुंचे, जहां पर चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम यादव के नाम की भूमि को कुर्क किया गया है। ये सभी भूखंड शिक्षा माफिया राजेंद्र भाई पारस कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा के द्वारा खरीदा गया था। इस दौरान एसपी रोहन पी भोत्रे ने बताया कि शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा और इनके भाई गैंग लीडर पारस कुशवाहा के साथ भाई महेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस भूखंड को चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम यादव के नाम से खरीदा गया था, जिसकी कुल मालकियत तकरीबन 3,10,00,000 की है। आपको बता दें कि गाजीपुर में आज जिला प्रशासन ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के द्वारा 4 लोग चंद्रहांस कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम यादव के नाम खरीदा गया था, जिसकी मालकियत 3,10,00,000 की है, जिसे आज कुर्क की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की छावनी लाइन स्थित इनमें कहीं मौजे की भूखंड की कुर्क की गई है। कुर्क की गई कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क कर लिया गया। राजेंद्र कुशवाहा पर गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें मुख्य आरोपी पारस कुशवाहा है। शिक्षा माफिया पारस कुशवाहा पहली बार तब सुर्खियों में आया तब उसके कॉलेज में हुई पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में एक ही कमरे में टॉप 10 में सभी छात्र आ गए। उसके बाद पिछले कई हुई टीईटी की परीक्षा में उसके विद्यालय में एसटीएफ ने सामूहिक नकल पकड़ी थी। इसके बाद पारस कुशवाहा, उसके भाई महेंद्र कुशवाहा और राजेंद्र कुशवाहा सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत रखते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे थे और अभी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। 14(1) धारा के अंतर्गत आज जो है कुछ शिक्षा माफियाओं की प्रॉपर्टी का यहाँ पे जब्तीकरण किया जा रहा है। इन चारों के नाम, 4 लोग हैं इसमें, इनका नाम है चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम सिंह यादव। इनके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जो भी इसमें पहले भी कुर्क न हुए थे। कुछ इनकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी आज 14(1) में न कुर्क हो रही है और इसी तरीके की कार्रवाई जो है अन्य लोगों के खिलाफ, अन्य माफियाओं के खिलाफ भी न कराई जा रही है। इन लोगों का जो है वो नकल न करवाना, गलत अवैध तरीके से चीटिंग करवाते हुए स्टूडेंट्स को न पास करवाना इत्यादि कई सारे इनके खिलाफ मुकदमे आपराधिक किस्म के इनके खिलाफ पंजीकृत है। इसी तरीके की कार्रवाई अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कराई जा रही है। देखिए, आज कुल मिला के लगभग 3,10,00,000 रुपए की कार्रवाई जो है आज पूरे दिन में कराई जाएगी। अन्य विविध जगह पे इन लोगों के प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी प्रॉपर्टीज़ का 14(1) में आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कराया गया था, उसको आज संपत्ति का जब्तीकरण कराया जा रहा है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।